है ब्लॉग। हाँ जी, ड्राइंग क्या थी पता लगी। अभी हो रहा है शाम का टाइम, पीछे घड़ी में दिख रहा होगा शाम का टाइम हो रहा है। तो अभी हो गया 5:40 और यहाँ पे मैं बैठी हूँ रुद्रांश का होमवर्क लेके, क्योंकि मुझे रुद्रांश का होमवर्क कंप्लीट करवाना है क्योंकि उसका स्कूल खुल जाएगा 1 तारीख से और वगैरह वगैरह। ये देखिए उसका होमवर्क लेके बैठी हुई, तो उसके लिए बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ था, तो अभी उसका होमवर्क कंप्लीट करवाना है मुझे। और काफ़ी सारी ड्राइंग की हुई हैं, मतलब वैसे मैम ने बोला था उसको प्रिंट आउट लेने के लिए, बट प्रिंट आउट लेने बाहर तो जा नहीं सकते, तो हमने घर पर ही थोड़ा बहुत बना बनू दिए हैं उसको। तो इतना हो गया है, अभी उसमें कलर वगैरह भरना है और भी रखे हुए हैं, 6-7 पेज हैं। तो अभी उसके साथ हम बैठेंगे और ड्राइंग करेंगे और होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके ओके। हाँ, और रुद्रांश के पापा उधर बैठे हुए हैं, तो उनकी मीटिंग चल रही है, तो वो दूसरे रूम में हैं और उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है इस रूम में नहीं आना, रूम को बंद कर लिया है। क्यों? आज एक्चुअली उनका ना डेमो है, इसलिए वो उधर दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। डेमो है और हमारे इस चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है। ओके ये अभी इतना सा कलर इसने कर दिया है उसमें, ये देखो या कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में। अच्छा अच्छा ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, रुद्रांश की ड्राइंग कैसी है? ओके देखेगी। बाय, थैंक यू। तो चलिए पहले हम रुद्रांश का होमवर्क कंप्लीट करवा देते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू धयन। धयन क्या होता है? धयन धन्यवाद। तो अभी हम दोनों ना सो गए थे, मस्त सो के उठे हुए हैं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है मुझे, थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी, तो मैं लेट गई और फिर उसके बाद ना मैं 5 बजे उठी हूँ। तो मैं अभी चाय वगैरह पी है और उसके बाद अभी इसका होमवर्क कम्प्लीट करवा देते हैं, फिर मिलते हैं और थोड़ी देर में। हो गया कलर कंप्लीट? हो गया। चलो नेक्स्ट करें। डन। ये रुद्रांश का ड्राइंग कंप्लीट हो गया, बन ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हनी बी को कलर कर दिया है। ओके, एंड रुद्रांश के लिए नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट क्या बनाना है? ये पेंसिल। पेंसिल से इसको है। यस, एंड नेक्स्ट रेक्टेंगल। एंड नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट डायमंड। एंड नेक्स्ट ओवल। यस। फाइनली रुद्रांश का होमवर्क हो गया है कंप्लीट। हो गई ना ड्राइंग? हो गई, हो गई। और मैम को भी सेंड कर दी है, तो मैम ने बोला है, क्या बोला मैम ने? गुड, वेरी गुड बोला रुद्रांश के लिए। रुद्रांश का होमवर्क हो गया कंप्लीट। अच्छा ड्राइंग दिखाओ, अपन दिखाएं ड्राइंग, दिखाओ दिखाओ रुद्रांश की ड्राइंग, दिखाते हैं। और ये देखिए कितना ज्यादा ब्लैक लग रहा है ना। ये देखो रुद्रांश का होमवर्क, ये देखिए इसने बनाई है ये हनी बी, तो ये भी बन गई है। और यहाँ पे ये उसने सर्कल रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर ये बनाए हुए हैं, तो ये भी हो गया है। एंड इसमें कैंडल्स बनानी है उसको, तो कैंडल्स वगैरह भी बनाएंगे। और ये इसको यहाँ पे नेम लिखना है और यहाँ पे उसको अपनी फोटो पेस्ट करनी है। तो बाकी खुशबू आ रही है, किस चीज की खुशबू आ रही है? नमी नमी। ये बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, आज इनका डेमो है, इसलिए टेंशन में बैठे हुए हैं। टेंशन। दो शब्द बोलना चाहोगे ऑडियंस को? थैंक यू। नथिंग थैंक यू बोल दिया, दो वर्ड हो गए हैं। तो आज ये बैठे हुए हैं बहुत टेंशन में। अच्छा, छामन छुक रहा है, छामन छुक रहा है। हाँ, ये रुद्रांश के बिस्किट भी छूक रहे हैं। सूख गया। तो ये मार्केट से ना, मतलब ऑर्डर किया था ना ऑनलाइन, तो वो आ गया था सामान, तो उसको धो दिया है और मस्त साबुन से धो धा के अभी ये सूख रहा है। मस्त सामान को भी नहलाना धुलाना पड़ता है। सूख गया। हाँ चल चल चल, रखो रखो, तक नहीं करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, ये देखिए घड़ी में, और मैंने खाना बना लिया है। खाने में बनाया है मैंने यहाँ पे चावल एंड दाल, अरहर की दाल, रोटी। तो दाल चावल रोटी है, तो खाना हमारा बन गया है। अभी बस थोड़ी देर से हम लोग खाना खाएंगे। क्या हो रहा है? एक्सरसाइज कर रहे हो? एक्सरसाइज के चक्कर में आप नीचे मत गिर जाना, ठीक है? ठीक है, चलो सामान रख दे, सामान सूख गया है। ओ, मैं खा
मामा रखेगी। नो नो नो, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। नो 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 थैंक्स, नो थैंक्स। ये सामान रखवाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या खराब कर देता है। तो कृपया करके ऐसे सामान को ना धोए जिसमें जिसमें हवा हो ना, उसी सामान को धोना चाहिए। और जिसके अंदर आपको लगे कि उसके अंदर एयर नहीं है ना, तो उस सामान को ना धोए, क्योंकि वो सामान सारा खराब हो जाएगा। हमने बाकायदा चेक कर करके वही सामान धोया है। खाना खाए, ये लो नमकीन। ये नहीं खाओगे कद्दू की सब्जी? कहाँ जा रहे हो? ये है ना, हमने ले लिया कटोरी में। ये पूरे में आपने ये खजाना फैला के क्यों रखा हुआ है? ये देखिए हमारा ये डिनर है, अब हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। रुद्रांश के पापा को मैंने रूम में ही दे दिया है, तो वहाँ रूम में खा रहे हैं और हम दोनों यहाँ बाहर बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि पापा का मीटिंग है 9 बजे। तो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 जल्दी से डिनर करा, चलो सिट डाउन सिट डाउन। तो ना अभी जस्ट डिनर हो गया है और बर्तन भी धुल गए। ये देखिए दलिया भर गई है, पूरे बर्तन धुल लिए मैंने। खाना हो गया है, खाना हो गया है। और इसका किसमिस खबर आई, देखो 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 देखो, जरा किसमिस खा रहा है लड़का। मैं इसको किसमिस डालती हूँ ना मॉर्निंग में खाने के लिए, इसको गलने के लिए, तो जरूर मुझे एक दो बन दो मुझे बन। और मैं ना अभी एक बात बोल रही थी यार, मैं तो ये सोचती हूँ ना, अभी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। अभी ना हम लोगों ने तेल मंगाया हुआ है, ये है 500 ml की बाटल है सरसों के तेल की। ये है 122 रुपये, इस पर MRP डली हुई है, ये 120 रुपये की है। मतलब इतनी सी बाटल 500 ml की बाटल अभी आपको 120 रुपये में मिल रही है। और ये है 1 लीटर की बाटल जो 130 रुपये में मिलती थी। सोचो कितना ज़्यादा तेल महंगा हो गया है यार। इंसान कैसे कैसे मैनेज करे अपना घर, जिसकी मतलब आमदनी 1000-1500 रुपये होगा, तो वो कैसे मैनेज करता होगा यार। मैं तो ये सोचती, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग कैसे कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। मतलब तेल जैसी तेल क्या, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। आज मतलब इन्होंने ये सामान ऑर्डर किया था ना, तो बोल रहे थे कि जो सामान मतलब 1500 रुपये में आ जाता था, आज वो 2500 रुपये में सामान आया है। मतलब इतनी महंगाई हो गई है, जो गरीब लोग हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। बात ये है ना, मतलब इतने से 500 ml की बाटल अभी आपको 120 रुपये में मिल रही है, जो आपको 130 रुपये में 1 लीटर की मिल जाती थी। सोचिए कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप क्या डेमो का फीडबैक लेने आए हो? कैसा गया है? पूछने आए हो? इसको पूछने आया ना ये। हेलो, हाँ सॉरी यार, डिस्कनेक्ट हो गया था। थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बोल रहे थे? थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या खाना है? बिस्किट। बिस्किट खाना है? ये कौन सा बिस्किट है जरा बताओ पहले हमें। काजू और बादाम। काजू बादाम वाला बिस्किट खाना है? अच्छा, काजू बादाम बन बन खाना है? बंटू खाने हैं। बंटू खाने क्या हुआ? जानी पापा बोला क्यों मैंने कुछ भी नहीं खाया। सच्ची? ओके ठीक है। जॉनी जॉनी डैड पापा ईटिंग शुगर ना पापा टेलिंग लाई ना पापा ओपन माउथ किसमिस खाई। फिर से किसमिस खा के आया है? अच्छा, इसीलिए बोल रहा था मेरे से कि जॉनी जॉनी बोलो है, ताकि मामा देख ले ना। हो गया हो गया हो गया हो गया, बाय, थैंक यू। आज रुद्रांश बहुत सैड है, इसलिए आज गम भरे गाने सुन रहा है। किसकी याद आ रही है? दादी की। दादी की याद आ रही? दादी की याद आ रही तो सैड वाले गाने सुनोगे आप? दिखाओ जरा कितनी याद आ रही, आंखें तो दिखाओ जरा, आंसू टपक रहे हैं। अच्छा, दादी की याद में रुद्रांश गाने सुन रहा है। और आपको किसकी याद आ रही है? नींद की याद आ रही? ये पड़ा है बिस्तर, सो जाओ। नानी की याद आ रही है। अच्छा, पापा को नानी की याद आ रही है। मामू की। अच्छा, मामू की याद आ रही हो गया है। डेमो मेमो तो चलो सोने साने। क्या बोलते हो? मुझे एक बात बताओ, ऐसी सेविंग कौन करता है कि आधी सेविंग कर ली, आधी आधी सेविंग के बाल ही छोड़ दिए? शेविंग जब 1 मिनट में अंदर खत्म कर देंगे वैसे ही। अच्छा, फिर भी 1 मिनट में खत्म नहीं हो रही। अच्छा, 2 मिनट तक खत्म कर
अच्छा तो ऐसी शेविंग करोगे, आधे बाल ले लो आधे बाल छोड़ दो, है नया स्टाइल में। तुम फिट हो गया अब, वो कहीं बीच बीच में बच गई है तो मैं क्या करूं? मेरी खेती है, मेरी खेती में अगर पेड़ लगे लगे हाँ। तो क्या दिक्कत है ना, दिक्कत मेरी खेती है। ऐसी खेती कौन उगाता है कि भाई सारी के सारा जंगल उजाड़ दिया उसमें एक पेड़ लगा रहने दिया बीच हाँ, में तो हाँ। पूरा पतझड़ा खा दो हाँ। बना दो तो इन लोगों को धर्म संकट में डाल के रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ को जब मैं कैमरा चालू करती हूँ तो फैन ऑफ कर देती हूँ। मम्मा अपन को पसीने में, मैं भी उस कष्ट को झेलती हूँ। एक काम करते, यस बोलो क्या करते? दुकान में दो मॉनिटर, कितने होते कितने मॉनिटर लगाओगे आप ले लेंगे। अच्छा मॉनिटर बेटा मॉनिटर नहीं बोलते उसको, चिमनी बोलते हैं। अच्छा कितना दिमाग है मॉनिटर क्या होता है? चिमनी को मॉनिटर बोलता है वो। अच्छा आपके साथ साथ मैं भी उस दर्द को झेलती हूँ, बिना पंखे के मैं भी वॉइस ओवर करती हूँ, बैठती हूँ, बोलती हूँ, थोड़ा तो सहन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पाइपलाइन है कहाँ जा रहे हो? अच्छा पापा ले लो, पापा आपको बेच रहे हैं, आप पापा को बेच रहे हो? स्पेशल डे पे स्पेशल तो होना चाहिए, मुंह मीठा होना चाहिए। आधे घंटे के अभी सपेरे को नाचने दो मिलेगी। मामा के लिए आज स्पेशल डे है मामा और पापा का, तो मामा और पापा खाएंगे। ओके क्यों मुझे क्यों देंगे? आपको नहीं, पापा बोलते ले नहीं पाएंगे। चलो 1 2 3 चॉकलेट तो दो, लो छोटी वाली। अच्छा थैंक यू, आप खा लो, हम मामा और पापा शेयर करके खा लेंगे। नहीं प्लीज, हम पापा शेयर करके खा लेंगे। नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है थैंक यू। नहीं प्लीज मजा खा ले रहा है यहां पे। ओए मम्मा को कब चिढ़ा कर लिए आपने? ध्यान में विघ्न नहीं डाल रहे हैं। पापा पापा घनी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में विघ्न नहीं डाल रहे हैं। टाइम आउट होता है, क्या होता है? ओके आज बताए क्या है, आज आज का मिशन बताओ तो क्या है आज? चॉकलेट। चॉकलेट पापा ने चॉकलेट क्यों खिलाई? पूछा आपने पापा से? पूछा पापा से आपने? मैंने होमवर्क किया। होमवर्क नहीं, पापा से पूछा, पापा बताए। आज के दिन ना मम्मा और पापा की सगाई हुई थी, मम्मा ने पापा को यहाँ पे ना फिंगर में रिंग पहनाई थी, मम्मा और पापा की रिंग एनिवर्सरी है आज। हाँ कहाँ कहाँ चल रहे कहाँ चल रहा है? अच्छा इसीलिए आज पापा ने मम्मा को चॉकलेट खिलाई है। टाइम काफी हो गया, अब हम लोग कहाँ ले जा रहे हो सबको? सबको मतलब एक दो तीन, तीनों को सोने के लिए जाना है। चलिए नहीं चलो, हाँ चलो सोने के लिए, ठीक है चलो। और वीडियो का भी हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।